हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और इसमें लेके हम आप लोगों के लिए परीक्षाओं से जुड़ी ही बहुत ही बढ़िया खबर जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी में नहीं होंगी परीक्षाएं, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रोन्नत होंगे। 48 लाख विद्यार्थी यहाँ पर आपके, ठीक है। तो कोरोना के चलते प्रदेश में इस वर्ष राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ नहीं होंगी, सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। परीक्षा सरकार ने नहीं कराने के समिति के सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है, लेकिन विश्वविद्यालयों के सभी प्रोन्नत का फॉर्मूला तय करने को कहा है। प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर इसका असर हुआ है। यूपी में जो है इस समय बहुत दिक्कत चल रही है कोरोना को लेकर। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संकट के दौरान विश्वविद्यालयों के सभी परीक्षार्थियों के आयोजन को लेकर या फिर परीक्षा को लेकर कुलपति एनके तनेजा की अध्यक्षता 4 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति के अपनी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंप दी और इस साल विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं कराने, सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत किए जाने का सुझाव यहाँ पर दिया है। समिति का मानना है कि देश व प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कराया जाना संभव नहीं है। परीक्षाएं आयोजित कराने से शिक्षकों और विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। समिति ने दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर यूपी में भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं कराने और विद्यार्थियों को बिना परीक्षाओं के प्रोन्नत कराने। से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर तनेजा ने से कहा कि विश्वविद्यालय में अधिकांश परीक्षाएं संभव संपन्नता होनी चाहिए थी या फिर कुछ हो गई हैं, तो कुछ विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हुई हैं। उन्होंने समिति को सभी विश्वविद्यालय की स्थिति के अनुसार परीक्षार्थियों को प्रेरित करने का सुझाव तैयार किया है। विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर 2 जुलाई को निर्णय किया गया। हम 1 जून को आने वाली केंद्र सरकार कि अनलॉक 2 की प्रक्रिया को यहाँ पर जो है जारी करेंगे अभी कुछ समय में, तो आप उस वीडियो को ही पूरा देखें। और यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा, उसे भी देख लें आप, धन्यवाद। इस पर डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर 2 जुलाई को फैसला लिया जाएगा। अभी 1 जून को आने वाली केंद्र सरकार की अनलॉक 2 की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। वीडियो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ दबाओ यार, बस दबाओ। अब चलो यार, मैं भी जा रहा हूं, बाय।